2024 चुनाव को लेकर सपा की कवायद हुई तेज। 2024 के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की तैयारियां तेज हो चुकी है। भाजपा के खिलाफ अब जुबानी हमले तेज करेगी समाजवादी पार्टी। तो भाजपा के खिलाफ अब सपा ने मोर्चा खोल दिया है। 1 नवंबर को नवगठित प्रदेश कार्यकारिणी की एक बड़ी बैठक होनी है, जिसमें 2024 को लेकर मंथन किया जाएगा। जातीय जनगणना और पीडीए की रणनीति के बारे में भी चर्चा होगी। अखिलेश यादव समेत प्रमुख पदाधिकारी इस बैठक में बड़ी और अहम चर्चा करेंगे। 2024 के चुनाव को लेकर ये चर्चा की जाएगी और इस बैठक में 300 से ज्यादा पदाधिकारी भी हिस्सा लेंगे। तो समाजवादी पार्टी के कई नेता चुनाव प्रचार के लिए भी जाएंगे। ये बड़ी और अहम खबर है, जहां समाजवादी पार्टी के कई नेता प्रचार के लिए जाएंगे। अखिलेश के निर्देश पर कई नेताओं की प्रचार के लिए ड्यूटी लगाई गई है। नरेश उत्तम पटेल समेत कई नेताओं को भेजा जाएगा चुनावी प्रचार के लिए। कई नेताओं की एक लिस्ट तैयार की गई है, जिन्हें निर्देश भी दिया गया है। वरिष्ठ नेताओं की मध्य प्रदेश में ड्यूटी तक लगाई गई है, जो चुनावी प्रचार करते हुए नजर आएंगे। गठबंधन की गांड खुलने के बाद नेताओं को एमपी भेजा जाएगा। गठबंधन की बात नहीं बनने पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है समाजवादी पार्टी। 85 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है समाजवादी पार्टी, और कई बड़े नेताओं को अब जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में सक्रियता से उतरकर लोगों के बीच पहुंचेंगे। विवेक, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए गठबंधन में तो रार आ ही रहा है, ये लगातार तस्वीरें भी सामने हैं, बयानबाजियों का दौर भी जारी है। इसी बीच सपा की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई है, कहा जा रहा है जिसमें वरिष्ठ नेताओं की मध्य प्रदेश में ड्यूटी लगाई गई है। किन किन के नाम सामने आए हैं विवेक? देखिए, अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में खींचतान चल रही थी, लगातार दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग देखने को मिल रहा था, और कहीं ना कहीं उसके बाद आलाकमान के हस्तक्षेप के बाद जो है ये चीजें थोड़ी शांत हुई। अगर बात करें तो कुल 85 सीटों पर मध्य प्रदेश में दमखम भरने की तैयारी समाजवादी पार्टी कर रही है। कुल 230 विधानसभा सीट मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में अगर पिछले 2 से 3 दशकों का शासन का कार्यकाल देखा जाए तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों ही पार्टियां वहां पर रिपीट हुई हैं, और दोनों ही पार्टी अभी भी मध्य प्रदेश में 50-50 की लड़ाई में है। ऐसे में समाजवादी पार्टी कुल 85 सीटों पर लड़ रही है, तो कहीं ना कहीं ये चुनावी समीकरण को प्रभावित कर सकती है समाजवादी पार्टी। अगर देखे तो जिस तरीके से कई लिस्ट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की आई, सबसे ज्यादा ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में तापत्र प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने दिए थे, इससे पहले अगर बात करें तो गठबंधन के हिसाब से सिर्फ 6 सीटों की मांग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे थे, लेकिन जब बात बिगड़ गई तो उन्होंने 85 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारा। साथ ही साथ अब समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, चाहे इनके प्रदेश अध्यक्ष हो गए, चाहे इनके पीडीए के बड़े पदाधिकारी हो गए, या पिछड़ा वर्ग के जो प्रदेश अध्यक्ष हो गए, ये सब बात की जाए तो मध्य प्रदेश जाएंगे और अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं करेंगे। बात करें तो नरेश उत्तम पटेल जो समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो जाने वाले हैं। साथ ही साथ अगर बात करें तो शिवपाल यादव भी वहां जा सकते हैं, रामगोपाल यादव भी वहां जा सकते हैं। समाजवादी पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी हैं, जो बड़े नेता हैं, वो मध्य प्रदेश का रुख करेंगे और वहाँ। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। शीत सत्र में अनुपूरक बजट पेश करने की तैयारी है, जहां शीत सत्र में अब अनुपूरक बजट पेश करने की तैयारी में है सरकार। अनुपूरक बजट लाने की तैयारी में है योगी सरकार। तो शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट लाने की तैयारी में है योगी सरकार। अनुपूरक बजट से बड़ी परियोजनाओं की व्यवस्था की जाएगी। बीजेपी के लोक संकल्प पत्र के वादों को पूरा करने की अनुपूरक बजट में कोशिश भी की जाएगी। इसके साथ ही 35 से 40 हजार करोड़ रुपए हो सकता है यूपी का अनुपूरक बजट। विवेक, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुकी है विवेक। देखिए, शीत सत्र में अनुपूरक बजट लाने की तैयारी में है योगी सरकार। 2024 से पहले इस अनुपूरक बजट के जरिए किस तरीके से जनता को साधने की कवायद होगी? देखिए, अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार शीतकालीन सत्र में पहला अनुपूरक बजट लाने की तैयारी में दिख रही है, और इसमें आम चुनाव की भी झलक मुस्कान देखी जा सकती है। अगर बात करें तो विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में उत्तर प्रदेश सरकार इस वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी, और अनुपूरक के माध्यम से सरकार चालू बड़ी योजनाओं को पूरा करने के लिए खजाना भी
खोलेगी, यानी जो योजनाएं चल रही हैं, जो योजनाएं चालू हैं, वो जल्दी से जल्दी पूरा हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार अपना पिटारा खोलने जा रही है। अगर बात करें तो अनुपूरक के माध्यम से सरकार बड़ी योजनाओं को पूरा करने के लिए तमाम तैयारियां करेंगी, साथ ही साथ विधानसभा चुनाव के दौरान पेश भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र के अवशेष संकल्पों को भी पूरा करने की कोशिश जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार जो है वो विकास की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी इसी मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में रिपीट हुई है, और जो संकल्प पत्र में जो वादे उन्होंने दोहराए हैं वो निश्चित तौर पे इनको पूरे ही करने होंगे, क्योंकि 6 महीने बाद फिर एक नए वादे के साथ ही लोकसभा के मैदान में उतरने वाले हैं। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। पीडीएफ फॉर्मूले पर आगे बढ़ रही है समाजवादी पार्टी। 2024 से पहले पीडीएफ फॉर्मूले को धार देती हुई समाजवादी पार्टी नजर आई, जहां पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुस्लिम यात्रा निकालने की तैयारी में है समाजवादी पार्टी। इसके साथ ही सपा कल निकालेगी पीडीएस साइकिल यात्रा, तो समाजवादी पार्टी की कल पीडीएस साइकिल यात्रा निकलेगी। अखिलेश यादव साइकिल यात्रा में खुद शामिल होंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जनेश्वर पार्क तक ये यात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान साइकिल यात्रा के जरिए पीडीएफ फॉर्मूले को धार देती हुई समाजवादी पार्टी नजर आएगी। विवेक का रुख करते हैं, जो फोन लाइन पर हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। विवेक देखिए, पीडीएफ फॉर्मूले को धार देती हुई समाजवादी पार्टी अब नजर आ रही है। इसी के मद्देनजर बीते दिन यानी कि कल की अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव एक साइकिल यात्रा निकालेंगे। कहाँ से कहाँ तक ये यात्रा होगी और इस यात्रा का मेन जो फोकस है विवेक वो क्या होगा? देखिए मुस्कान, समाजवादी पार्टी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुस्लिम यात्रा निकालने जा रही है, और जिस तरीके से पीडीएफ फॉर्मूला समाजवादी पार्टी द्वारा दिया गया है, अब समाजवादी पार्टी चाहती है कि आगामी लोकसभा चुनाव में जो विपक्षी गठबंधन INDIA है वो भी उत्तर प्रदेश में या फिर बाकी राज्यों में इसी फॉर्मूले की तरह आगे बढ़े, और समाजवादी पार्टी का मानना है कि ये जो फॉर्मूला है वो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में बढ़त NDA के ऊपर दिलाएगा। कल ये यात्रा साइकिल यात्रा निकाली जाएगी, अखिलेश यादव इस यात्रा को लीड करेंगे, और यात्रा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में बना था वहां से लेकर जनेश्वर मिश्र पार्क तक ये यात्रा होगी, जिस दौरान समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता और कई बड़े पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इसको लीड करते हुए दिखाई देंगे, और जिस तरीके से जाति जनगणना से लेकर PDA का जो फॉर्मूला समाजवादी पार्टी ने दिया हुआ है, अब अपने इस फॉर्मूले पर अमल करते हुए इन फॉर्मूलों को बेहतर तरीके से किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करें उसके दिशा में समाजवादी पार्टी लगातार काम कर रही है। मध्य प्रदेश में भी यही फॉर्मूला दिया गया है, जहां समाजवादी पार्टी ने 85-85 घोषित किए हैं, वहीं अब उत्तर प्रदेश में इस फॉर्मूले के तहत चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि चूंकि लोकसभा चुनाव जो है वो अब 6 महीने दूर रह चुके हैं, ऐसे में 6 महीने की तैयारी है फॉर्मूले को साधने के लिए। घोसी में ये फॉर्मूला कारगर साबित हुआ था, इसलिए समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि इस फॉर्मूले के तहत आगे जाने पर, चीजें क्रियान्वित करने पर समाजवादी पार्टी और विपक्षी गठबंधन को लाभ हो सकता है। ठीक है, धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। पेट परीक्षा का आज दूसरा दिन, तो पेट परीक्षा का आज दूसरा दिन है। बीते दिनों हुई पेट परीक्षा में कई सॉल्वर्स की गिरफ्तारी की गई थी, जिसके बाद अब और सख्ती बढ़ाई गई है। परीक्षा में इंतजामों को लेकर और सख्ती बढ़ाई गई है, और आपको बताते चले कि बायोमेट्रिक सेवा से एंट्री के अब और कड़े इंतजाम किए गए हैं। आज पेट परीक्षा का दूसरा दिन है, कल पकड़े गए थे नकल करते मुन्ना भाई, जिसके बाद आज और सक्रियता से एग्जामिनेशन सेंटर्स पर नजर रखी जा रही है। लखनऊ में परीक्षा सेंटर्स बनाए गए हैं, तकरीबन 49 एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। प्रथम पाली में 24,744 परीक्षार्थी शिरकत करते हुए नजर आएंगे, और आज पेट परीक्षा का दूसरा दिन है, जिसके लिए पुलिस प्रशासन सक्रिय है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच और कड़ी निगरानी के बीच आज एग्जामिनेशन सेंटर्स पर अभ्यर्थी परीक्षा देते हुए नजर आ रहे हैं। इकाना के लिए आज चलेंगी 25-25 बसें, तो इकाना स्टेडियम के लिए आज 25 बसों का संचालन किया जाएगा। सिटी बसों का रूट प्लान भी जारी किया गया है। शहर के कई स्थानों से सीधे स्टेडियम तक चलेंगी बसें, तो सीधे स्टेडियम तक कई बसों का संचालन किया जाएगा, और आज 25 बसें और संचालित की जाएंगी। सुबह 10 बजे से मैच खत्म होने तक ये बसें चलेंगी। इसके साथ ही आज इकाना के लिए 25 बसें भी संचालित की जाएंगी। 22 जनवरी को होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला विराजमान हो जाएंगे। दिवाली से बड़े उत्सव का स्वरूप देगा विश्व हिंदू परिषद।
10 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं को एकत्र करने की योजना है। तो 10 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं को इकट्ठा करने की योजना में है विश्व हिंदू परिषद। तकरीबन 7.5 लाख मंदिरों में एकत्र किए जाएंगे सभी हिंदू। तो 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। आज भारत और इंग्लैंड होंगे आमने सामने। तो लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में आज भारत बनाम इंग्लैंड का महामुकाबला 2 बजे से देखने को मिलेगा, जिसके लिए हिंदू महासभा ने भारत की जीत के लिए प्रार्थना की है। दक्षिण मुख्य हनुमान मंदिर पर प्रार्थना की गई है। और देखिए आज भारत का मैच है, जिसके लिए दर्शकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और लखनऊ के हजरतगंज के मंदिर में ये पूजा की गई है, जहां आज भारत की जीत के लिए जो सभी दर्शक है, प्रशंसक है, वो मंदिरों में पहुंचकर पूजा अर्चना करते हुए और जीत की कामना करते हुए भी नजर आए। दक्षिण मुख्य हनुमान मंदिर पर यह प्रार्थना की गई है। दक्षिण मुख्य हनुमान मंदिर पर यह प्रार्थना की गई है। हजरतगंज में स्थित है दक्षिण मुख्य हनुमान मंदिर, जहां पर आज दर्शकों ने प्रार्थना की है, जो सभी क्रिकेट प्रशंसक है। इसके साथ ही बच्चे भी आज के इस मैच को लेकर काफी उत्साहित नजर आए हैं। इस तस्वीर के जरिए आप समझ सकते होंगे कि एक बच्चा भी अपने हाथों में बैट थामे खड़ा है, और आज ये बच्चा भी मंदिर के अंदर मौजूद था, जो भारत की जीत के लिए कामना करने पहुंचा था।